दोस्तों, अगर आप भी उमरान मलिक को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मलिक ने हनुमान बनकर किया लंका का दहन। जी हां दोस्तों, उमरान मलिक ने एक बार फिर से अपनी धारदार गेंदबाजी के जरिए विरोधी टीम को अपने पैरों पर गिरा दिया है। उमरान मलिक ने इस बार अपनी शानदार गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम के सामने 5 गेंदों पर 5 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अर्जित करा दिया है। मलिक के तूफानी प्रदर्शन को देख पूरी दुनिया दंग रह गई। तो आखिरकार कैसे मलिक ने अपनी धारदार गेंदबाजी से विरोधी टीम को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर किया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ उनके तूफानी प्रदर्शन का वीडियो भी दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह में से कौन खतरनाक गेंदबाज है? अपने जवाब नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच नए साल में नई सीरीज शुरू होने वाली है, जहां पर 3 जनवरी को भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच 3 जनवरी से 3 मैचों की T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज होने वाली है, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी को पहले मुकाबले के साथ होगी। इसके लिए दोनों टीमों का ऐलान हो गया है, जहां पर विरोधी टीम श्रीलंका की कमान दासुन शनाका के हाथों में दी गई है, तो वहीं उपकप्तानी की जिम्मेदारी वानिंदु हसरंगा के हाथ में दी गई है। तो दूसरी तरफ भारतीय टीम की कमान हार्दिक पांड्या, तो वहीं उपकप्तानी की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव को दी गई है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच सीरीज खेली जाएगी, जहां पर 3 जनवरी को भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े मैदान पर होने वाला है। इस मैदान पर होने वाले मुकाबले से पहले ही भारतीय टीम के दिग्गज गेंदबाज मलिक ने अपनी तूफानी प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल मलिक ने काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए एक एक कर प्रत्येक बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाई। आज भारतीय टीम ने अभ्यास मुकाबला खेला, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाज और बल्लेबाज आमने सामने हो गए थे। इस बीच T20 में 140 रनों का लक्ष्य BCCI ने सेट किया, जहां पर गेंदबाज इस लक्ष्य को रोकने की पूरी कोशिश करने वाले थे। इस बीच मलिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को 140 रन बनाने पर रोक दिया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से बेहतर प्रदर्शन कर रहे मलिक ने 5 गेंदों के अंदर 5 विकेट लेकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। दरअसल मलिक ने काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में मात्र 1 रन दिया। हालांकि पहले ओवर में उनको 1 भी विकेट नहीं मिला, लेकिन बाकी 3 ओवर में उन्होंने बाकी बचा काम कर दिया था। दरअसल दूसरे ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन और शुभमन गिल को मलिक ने एक एक कर रिमांड पर लिया, जहां पर मलिक ने पहले ईशान किशन को ओवर की 5वीं गेंद पर LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा को भी ओवर की अंतिम गेंद पर मलिक ने क्लीन बोल्ड किया था। इतना ही नहीं, ओवर में 4 रन भी नहीं आए थे, जिसके बाद फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए अपना 3रा ओवर लेकर मलिक ने पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को 8 रन के स्कोर पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव को गोल्डन डक के रूप में कॉट एंड बोल्ड आउट कर दिया था। हालांकि सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का आना बाकी था। यहां पर भारतीय टीम के लिए मलिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी की और 5 गेंदों पर 5 विकेट लेने वाले कारनामे से भी सिर्फ 1 कदम दूर रह गए। इस बीच मलिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी ही टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली और वो क्लीन बोल्ड हो गए। 5 गेंदों पर 5 विकेट लेकर किए गए इस कारनामे से पूरी दुनिया हैरान है। तो वहीं इनके खतरनाक प्रदर्शन को देखकर टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा दंग रह गया और इनके इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए की जा रही है। तो दोस्तों, उमरान मलिक के खतरनाक प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, कॉमेंट में जरूर बताइए।